हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में यह है टेस्ट नंबर 11 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले यह टेस्ट दे दीजिए। चलिए इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, 63 का बीवां हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवां हिस्सा 16 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सबसे पहले पहले स्टेटमेंट को में कहा गया है 49 का एवा हिस्सा का मतलब होता है 1/a हिस्सा 7 है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर a का मान निकाल सकता, 7 से ये 49 7 बार कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से a का मान यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये याद रखिएगा, a का मान निकल गया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 63 का बीवा हिस्सा, यहाँ पर हमने कहा 63 का बीवा हिस्सा मतलब 1/b किसके बराबर है, 9 के बराबर है, यानी कि ये 9 नामी साथी 63, तो यहाँ पर फिर b का मान भी क्या आ जाएगा, 7। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है 112 का सीवा हिस्सा, यानी कि 112 का सीवा हिस्सा यानी 1/c कितना है, 16 है, 16 यहाँ पर रख दिया, 16 सत्य 112 यानी सी भी कितना आ गया, 7 आ गया। ए बी और सी का मान 7 है। अब यदि मैं यहाँ पर ए बी और सी को आपस में गुणा करता हूँ तो ए बी और सी के मान को आपस में गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 7 की घात 3 और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी। इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं 7 का मतलब a है, दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर a बराबर 1/7 तो आ नहीं रहा है, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर दो जगह दिख रहा है, हमें भी ए बी सी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में प्राप्त हो चुका है। जब 7 का मान हम a के बराबर रखेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए बी सी बराबर 7 बराबर a है, इसीलिए a का घन। तो इस प्रकार से ए बी सी बराबर ए क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 - 5/7 + 1/something इस प्रकार से पूरी सीरीज बनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया है। सबसे पहली बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम सबसे पहले इस पद को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 को 2 से गुणा करके 1 से जोड़ देंगे, 3 × 2 = 6, 6 + 1 = 7। मैं इसे इस जगह पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मान आ जाएगा 2 सही 1/2 की जगह पर वो हो जाएगा 7/3। अब देखिए, यहाँ पर मैं बटे के मान को पलट देता हूँ, यानी कि यह मान जो होगा वो पलट जाएगा। इस प्रकार से यह मान हो जाएगा 3/7। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें इस पद को सॉल्व करना है जो कि है 4 + 3/7। फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे, 7 + 28 और 28 में 3 को जोड़ देंगे तो 7 + 28 28 + 3 = 31। तो इस पूरे जगह के जगह पर मान आएगा 31/7। इस 31/7 को इस जगह पर रख देंगे। अब देखिए, ये 31/7 जो है ये 1/1 में है, यानी बटे के बटे संख्या पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 7/31। तो इसको हम कर देते हैं। अब जो पद आया है हमारे पास वो है 7 + 7/31। अब फिर से वही हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, 31 को 7 से गुणा करके फिर 7 जोड़ देते हैं। तो 31 को 7 से गुणा करने पर 7 × 7 और 7 × 3 = 21 217 आता है। इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 7 + 7 = 14, 1 + 1 = 2 और ये 224 आ रहा है। अब देखिए, ये जो 224 आ रहा है इसे हम यहाँ पर रख देंगे इस स्थान पर। तो यहाँ पर इस मान को हम 224/31 को रख देंगे। अब देखिए, आपके पास बटे में 224/31 आ चुका है। अब इसे फिर हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि बटे के बटे की संख्या को पलट देंगे। तो इस प्रकार से ये 31/224 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 224 को 1 से पहले हम गुणा कर देंगे तो ये 224 ऊपर आ जाएगा, माइनस इस 31 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 3 = 15 और डिवाइडेड में फिर 224 आ जाएगा। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 224 में से 155 को घटाने पर 14 में से 5 गया तो 9 बच गया और यहाँ पर 21 में से 15 गया तो 6 बच गया, यानी कि यहाँ पर आएगा इसका मान 69/224। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए 69/224। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 भिन्न में से बृहत्तम और शुद्रतम, बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा और शुद्रतम का मतलब होता है छोटा, के बीच का अंतर निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले इन अनुपातों को हम लिख लेते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो सरल है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ आपको सिखाने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये संख्याएं जो दी गई हैं भिन्न के स्वरूप में दी गई हैं। सबसे पहले इन संख्याओं को आप दशमलव में बदल दीजिए तभी आप इन्हें कंपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहली संख्या ले रहा हूँ 2/3। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ जिसे आप आगे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस संख्या को मैं 2/3
तीन को दशमलव में बदलने के लिए एक काम कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ तीन और नीचे की तरफ तीन का गुणा कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये 6/9 हो जाएगी। पिछले टेस्ट पेपर में मैंने आपको यहाँ पर पुनरावृत्त दशमलवी संख्या के बारे में बताया था, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 9 आ रहा है, बटे में 9 आने का मतलब क्या होता है कि शून्य के बाद दशमलव और 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए 6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0.66। इसका मतलब यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2/3 का मान 0.66 हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी संख्या के बटे में 3 आने पर उसे 9 या 33 आने पर 99 बनाइए और फिर पुनरावृत्त दशमलवी संख्या का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा, वैसे आप बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। आगे बढ़, अगला जो भिन्न है वह है 3/4। आप देखिए 3/4 के लिए मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ। बटे में जब भी 4 आता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि यदि ऊपर की ऊपर में यदि एक संख्या है तो इसका मतलब 0.25 होगा, 2 का मतलब 0.5, 3 का मतलब 0.75। इस प्रकार से आप 1, 2 और 3 शेषफल बचने पर, जब भी किसी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे और एक शेषफल बचता है तो उसके पीछे 0.25 लगा दीजिए। यदि 2 शेषफल बचता है तो 0.5 लगा दीजिए और 3 बचता है तो 0.75 लगा दीजिए। ये फिक्स है, ये आंसर हमेशा आएगा। इसका मतलब 3/4 का मतलब हो गया 0.75। इस प्रकार से पहले जो भिन्न है, पहला जो भिन्न है वो 0.66 है, दूसरा जो भिन्न है वो 0.75 है। तीसरा भिन्न निकालते हैं जिसके बटे में 5 दिया गया है। अब देखिए जिस भी संख्या के बटे में 5 आता है तो ऊपर वाली संख्या जो है उसे आप डबल कर दीजिए, 4 × 2 = 8, और एक अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये एक ही लाइन में ये काम हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। 4 में मैं 5 को 10/2 जब मानता हूँ तो ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाता है और दशमलव एक अंक के पहले लग जाता है क्योंकि नीचे 10 है। तो इस प्रकार से इसका सही मान हो जाएगा 0.8। आगे बढ़ते हैं तो हमें तीन संख्याएं मिल गई हैं, पहली 0.66, दूसरी 0.75 और तीसरी 0.8। तीसरी संख्या जो है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर आप एक काम करेंगे, मैं आपको 6 से डिवाइड करना बता रहा हूँ, यानी कि जब हर में बड़ी संख्या होगी तो आप दशमलव शून्य लगा करके दशमलव लगा दीजिए तो ऊपर की संख्या जो हो जाएगी वो 50/6 हो जाएगी। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 6×6 = 48। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आप दोनों को कंपेयर करने के लिए इस अंक को और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हमने 6×6 = 48 किया, यहाँ पर 2 बच गया था, इसका मतलब 6×3 = 18। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आया 0.83। बस आपको इतना ही करना था क्योंकि आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर जो संख्याएं आ गई उसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो रही है वो 5/6 से प्राप्त हो रही है और सबसे छोटी संख्या 2/3 से प्राप्त हो रही है। अब आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ा भिन्न 5/6 और सबसे छोटे भिन्न यानी कि 2/3 का अंतर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर 2/3 को घटा देता हूँ। इस प्रकार से एलसीएम इसका 6 आ जाएगा, 5 − 2 × 4 यानी कि 1/6। इसका सही आंसर होगा 1/6, बी ऑप्शन। मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं, उनका इस्तेमाल आप आगे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में इसे अच्छे से समझा चुका हूं कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। 2.12 2.1664 के ऊपर बार लगाया हुआ यानी ये पुनरावृत्त दशमलवी संख्या हो गई, प्लस में 16.032 के ऊपर बार है और प्लस 8.1 के ऊपर बार है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं इसी क्वेश्चन को उतार रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने उतार लिया है, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को तोड़ रहा हूँ। यानी कैसे मैं तोड़ूंगा, देखिए दशमलव के पहले पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या को मैंने कुछ इस प्रकार लिख दिया, दशमलव के बाद की संख्या को मैंने 0.164 इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए मैंने तोड़ा क्यों, क्योंकि मैं पूर्णांकों को अलग से जोड़ सकूँ और दशमलवी संख्याओं को अलग से जोड़ सकूँ। प्लस में यहां पर मैंने 16 दशमलव की पहली संख्या पूर्णांक अलग कर ली और फिर मैंने यहां पर कर दिया 0.032 और उसके ऊपर बार लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से 8 को मैंने अलग लिख दिया और फिर प्लस में कर दिया 0.1 पुनरावृत्त संख्या। अब इससे मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए आगे की पूर्णांक संख्याओं को आप सीधे जोड़ सकते हैं, तो यह हो जाएगा 16 और 2 = 18 18 और 8 = 26। तो यहाँ पर ये 26 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बची दशमलवी संख्याएं जो कि है 0.164 और इसके ऊपर बार, प्लस में 0.032 और उसके ऊपर बार,
प्लस में 0.1 के ऊपर बार। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 26 तो 26 की जगह पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पुनरावृत्त दशमलवी संख्याएं यानी कि शुद्ध और मिश्रित दो प्रकार की मैं बता चुका हूँ, यदि नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इन संख्याओं को कैसे हम भिन्न में बदलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मिश्रित प्रकार की दशमलवी संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक जो आ रहा है उसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, 64 का हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, 64 लिखें ऊपर, माइनस में उस संख्या को, उस अंक को घटा दीजिए जो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जो कि एक है, और बटा में उतने 9 लगाइए जिनके जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर मैं 2 9 लगाऊंगा क्योंकि 6 और 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, और उतने शून्य लगाइए जितने की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब एक शून्य आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर फिर हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, सबसे ऊपर यहाँ पर हम 32 लेंगे यानी कि 0 3 2 लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 0 की, उस अंक को घटाएंगे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बटा में 9 उतने बार लिखेंगे जितने बार की पुनरावृत्ति हो रही है 3 और 2 की। तो यहाँ पर 9 और 9 आ जाएगा, और क्योंकि 0 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है इसलिए 0 आगे लगा दिया। इसी प्रकार से 0.1 बार को हम लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर बटा में 9 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शुद्ध पुनरावृत्त संख्या है, क्योंकि एक ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर, एक बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस इसको घटाने पर 163 डिवाइडेड बाय 990 प्लस में इसको घटाएंगे तो 32 ही आएगा, बटा में 990 प्लस में यहाँ पर हम करेंगे 1/9। अब देखिए इस भिन्न संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 26 प्लस में एलसीएम लेंगे तो वो 990 आ जाएगा, 990 का मतलब हो गया ऊपर 163 प्लस में 32 प्लस में, अब जब आप इस 990 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 26 प्लस में इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर इस प्रकार से 305 बटा 990 आ गया है। अब ध्यान से समझिए, मैं कुछ कर रहा हूँ जिसका विशेष महत्व है। 26 तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, अब इस संख्या को मैं एक विशेष रूप में बदल रहा हूँ। पहले मैं बदल के बता देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर करा 308 माइनस 3 बटा में 990। मैंने ऐसा क्यों करा इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। 308 में से 3 को घटाएंगे तो 305 आएगा, और बटा में 990 तो वही है, यानी मैंने पहले ऊपर की संख्या को नीचे लिखा लेकिन नए स्वरूप में लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 26 प्लस में, ध्यान से समझिए इस पर्टिकुलर इस चीज को करने का मतलब क्या था। इसे मैं यहाँ पर 308 को लिख देता हूँ और बटा में दो बार जो है वो 9 आ रहा है, इसका मतलब बार जो लगेगा वो 2 अंकों के ऊपर लगेगा जो कि आखिरी है, और ये 0 का मतलब यह हो गया कि यहाँ पर एक अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो है 3, और यहाँ पर मैं इसके आगे 0.0 लगा देता हूँ, जिस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 0.308। इस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि इस संख्या को जोड़ने पर सही आंसर आएगा 26.308 और इसके ऊपर बार। देखिए आप देख लेते हैं इस प्रकार का कोई आंसर है क्या। देखिए सबसे यहाँ पर हम देखें तो बी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर गलती से बार 3 के ऊपर भी आ गया है, इसका आंसर होगा 26.308 और यहाँ पर 08 के ऊपर बार आ रहा है। मैंने आपको समझा दिया ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ही 9 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वह बृहत्तम संख्या जो अनुक्रम 1 की घात 5 - 1, 2 की घात 5 - 2, 3 की घात 5 - 3, n की घात 5 - n के प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करती है। तो देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 की घात 5 का मतलब 1 - 1, फिर दूसरा पद है 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 - 2, फिर अगला पद है 3 की घात 5, 3 की घात 5 होता है 243 - 3, --, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 0, 32 में से 2 गया तो 30 बचता है, 243 में से 3 गया तो 240 बचता है, इसी प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ते चली जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक पद इस श्रृंखला में कहा गया है प्रत्येक पद ठीक ठीक किससे विभाजित हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम प्रत्येक पद को 30 से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये संख्या 30 से सभी संख्याएं डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।